नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमें गर्व हो रहा है कि हम बता सकें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक 2023 में प्रक्षेपित किया है। 3 के माध्यम से हमारा लक्ष्य है चंद्रमा पर भविष्य के लिए एक अंतरिक्ष आधारशिला स्थापित करना। इसरो ने पहले 2 सफल चंद्रयान मिशनों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को संपन्न किया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय चंद्रयान 3 मिशन को 2023 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह भारत की मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और देश के वैज्ञानिक संगठन की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह चंद्रमा की खोज और अध्ययन करना है। इस मिशन के लिए चंद्रयान 3 को जनवरी 2023 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह मार्ग 3 चरणों में बांटा गया था। इस प्रक्षेपण में गगनयान अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा के प्रतिक्षेत्र तक पहुंचाया गया। चंद्रयान 3 अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की आंतरिकी नाप करने में सफल रहा। चंद्रयान 3 मिशन की मुख्य उड़ान 2023 में इसरो के साथी संगठन HIL HCL द्वारा ली गई। चंद्रयान 3 के 4 मुख्य वैज्ञानिक प्रमुख उपकरण शामिल हैं, सतही रोवर, परिधि रोवर, लेजर अल्टीमेट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एनविजीएस ENGS। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करना, रवानों को ग्रह पर भेजने की क्षमता प्रदान करना और चंद्रमा के मांसपेशियों की नाप करना है। चंद्रयान 3 मिशन के साथ इसरो ने एक और बड़ी पहल की है जो देश के अंतरिक्ष प्रोग्राम को नए ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत देती है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशनों के बाद चंद्रयान 3 भारत की मिशन अभियानों की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए सतही रोवर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि वह चंद्रमा की सतह पर चल सके और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक औद्योगिक परीक्षण कर सके। इसमें एक क्रू रोवर और 2 स्टेशनरी रोवर्स शामिल हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को साथ ले जाते हैं। इन रोवरों के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन की टीम विभिन्न प्रकार के परीक्षण करेगी, जैसे कि रासायनिक परीक्षण, जैविक उपादान, औद्योगिक अनुपात आदि। यह सिस्टम उच्च गति और बेहतर सत्तारकता के साथ डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता प्रदान करेगा। इससे चंद्रयान 3 की कम्युनिकेशन क्षमता बढ़ेगी और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स एनविजीएस ENGS है, जो दूसरे उपकरणों के साथ मिलकर चंद्रयान 3 को उच्च सत्तारकता और अनुकरणीयता के साथ काम करने में मदद करेगा। यह नवीनतम तकनीकी चंद्रयान 3 मिशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वैज्ञानिक और तकनीकी गतिशीलता के क्षेत्र में। यह मिशन भारत को गर्व महसूस कराता है और देश के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे भारत द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़े कदम उठाए जाने का संकेत मिलता है। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा चंद्रमा की खोज, अध्ययन और नाप करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन सामरिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकी संपदाएं शामिल करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन भारत के लिए नए अवसर और संभावनाएं प्रदान करेगा, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रा, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक
और भौगोलिक प्रश्नों का अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए चंद्रयान चंद्रमा के ग्रहण क्षेत्रों, प्राकृतिक संगठनों, भौतिकी और चंद्रमा की इतिहास, मौसम और पारिस्थितिकी का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही इसरो की टीम अनुमानित रूप से 2020 और 2021 के चंद्रयान 2 मिशन से प्राप्त डेटा का उपयोग करेगी और चंद्रमा के संपूर्ण चक्रवात तथा मौसम की जांच करेगी। चंद्रयान 3 मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है चंद्रमा पर मानवों को भेजने की क्षमता का विकास करना। इसके लिए इसरो भविष्य में मानवीय चंद्रयान मिशनों की योजना बना रहा है। इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन जीवन समर्थ अवस्था, पारिस्थितिकी, तकनीकी और सुरक्षा की परीक्षा करेगा। इससे चंद्रमा पर मानवीय आधारित निवास के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2023 में एक महत्वपूर्ण मंच पर खड़ा करेगा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नया आयाम देगा। यह मिशन देश की आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक अनुसंधान में बढ़ोतरी को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही इसरो द्वारा इस मिशन के माध्यम से उठाए जाने वाले सभी डेटा, ज्ञान और अनुभव वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपलब्ध होंगे, जो अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया भर में उच्चतम मानकों के साथ अग्रणी बनाए रखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के लाभों के अलावा इस मिशन के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय के साथ सहयोग और संबंधों को भी मजबूत करेगा। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को अग्रणी राष्ट्रों में स्थान देने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के अलावा इसरो का उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान के माध्यम से भारत की सामरिक और आर्थिक प्रगति में योगदान देना। इसके द्वारा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी गतिशीलता और तकनीकी क्षमता को दिखा सकेगा और स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों के विकास को बढ़ावा देगा। चंद्रयान 3 मिशन से प्राप्त डेटा और अनुभव से भारतीय वैज्ञानिकों को अधिक संसाधनों, विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटीज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने का मौका मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को और अग्रेसिव बनाएगा और अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह मिशन उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और वैश्विक मानकों में अंतरिक्ष उपयोगकर्ता समुदाय की सहायता करेगा। चंद्रयान मिशन भारत के स्वप्नों को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक गतिविधियों में नई प्रगति को जारी रखने का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।